नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल नॉलेजपुर में। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के 15 अक्टूबर के द्वितीय पाली की आंसर की को। पहला क्वेश्चन है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक औरंगजेब थे। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है रेलवे। कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कैस्पियन सागर। 12वां है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिन तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। GMT का पूर्ण रूप है ग्रीनविच मीन टाइम। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? क्रूड अशोधित जन्म दर। सागौन के जंगल भारत के मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहूवालिया थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? प्राथमिक क्षेत्र। हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में पंजाब को चुना गया था। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इनमें से कोई नहीं। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? आर्टिकल 29। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से DPSP जोड़ा गया, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। मौलिक कर्तव्य हैं 23वें का आंसर सभी है। 24वें में अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य है। सरकारी आयोग केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। प्रकाश वर्ष तारकीय दूरी का माप है। सभी अम्लों में समान तत्व हाइड्रोजन है। नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। सबसे बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन है। पौधों का विकास प्रकाश की गुणवत्ता मात्रा और अवधि से प्रभावित होती है। 31वें का आंसर है 11/13। 32 का आंसर है 7.9। 33 का आंसर है 5%। 34 का आंसर है 140। 35 का आंसर है √5-2। 36 स्वल्प का संधि विच्छेद शोधन अल्प है। 37 में इति का सही अर्थ है समाप्ति विघ्न। 38 ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। स्थावर का विलोम जंगम। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ है भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। 41 का आंसर है 9। 42 का आंसर है थैंक यू कार्ड्स। 43 का आंसर है डोसाइल। 44 का आंसर है टार्डी। 45 का आंसर है स्टोइक। 46 का आंसर है कथन सेकंड कारण है और कथन फर्स्ट इसका प्रभाव है। 47 का आंसर है बेटा। 48 का आंसर है 301। 49 का आंसर है शुक्रवार। 50 का आंसर है TGGFDE। 51 का आंसर है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था।
भारत और नेपाल के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? यूके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। नारी को नमन नाम से नई योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की? कर्नाटक राज्य ने। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम एक कार्यक्रम में 1,800 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में किया गया। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। नीति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस व पावर ICICI बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा जलाटी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति के पास। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। वास्को डी गामा का मकबरा कोच्चि केरल में है। कथक उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। थॉमस का बैडमिंटन से संबंधित है। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ग्लोबल वार्मिंग का आंसर सभी है। 71वें का आंसर है माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। 72वें का आंसर है अधूरे संस्कार। 73वें का आंसर है जग हसाई से बचने के लिए। 74वें का आंसर है 2 पीढ़ियों का अंतराल। 75वें का आंसर है बच्चों के परिवार के सदस्यों पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन खान पान पहनावे और चाल चलन पर एतराज और कटाक्ष करते होंगे। 76वें का आंसर है बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर न बोझ बने और न ही अपनी राय थोपें। 77वें का आंसर जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल देते हैं, बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। 78वें का आंसर है पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों को बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। 79 का आंसर है जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। 80 का आंसर है माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहु बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी। 81 का आंसर है जिला ई। 82 का आंसर है 2013। 83 का आंसर है जिला ए। 84 का आंसर है 88.54%। 85 का आंसर है 2012। 86 का आंसर है 64.71%। 87 का आंसर है 144। 88 का आंसर है 118। 89 का आंसर है 59.59 संबंधी 80। 90 का आंसर है 85। 91 का आंसर है 12.78%। 92 का आंसर है 86%। 93 का आंसर है 200,000। 94 का आंसर है 35%। 95 का आंसर है 7,25,000।
छियानवे का आंसर है 4568, 97 का आंसर है 260 करोड़, 98 का आंसर है 102 करोड़, 99 का आंसर है 464 करोड़, 100 का आंसर है 1517। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।